प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। केवल भारत नहीं पर अगर समस्त राष्ट्र में जो क्राइम है, जो असहिष्णुता है, जो क्रोध की अग्नि में लोग बिना बात के जल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान हो जाते हैं, इन तमाम समस्याओं का एक ही समाधान है। जब तक व्यक्ति अध्यात्म की ओर नहीं चलेगा, तब तक हर राष्ट्र, हर परिवार और हर मनुष्य दुखी रहेगा। जिस दिन उसके भीतर अध्यात्म का सूर्य उदय होगा, उस दिन सब राष्ट्र सुखी, सारे परिवार आनंदित और सब व्यक्ति प्रसन्नचित्त होगा। जब तक कि ईश्वर के प्रति आस्था ना हो, जब तक कि सत्संग का आदर ना हो, जब तक कि अपनी उन्नति का लक्ष्य ना हो, और सबसे ज्यादा कि मैं इतना परेशान, पहले की अपेक्षा सुविधाएं ज्यादा है, पहले की अपेक्षा पैसा ज्यादा है, पहले की अपेक्षा एजुकेशन ज्यादा है, पहले की अपेक्षा एजुकेशन की फैसिलिटीज ज्यादा है, फिर भी मनुष्य पिछड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं शांति में, कहीं ना कहीं दोषों में, कहीं ना कहीं सद्गुणों से पिछड़ा हुआ है, दोषों में उलझा हुआ है, कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अशांति बढ़ रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं हम अगर सोचने जाएं तो ये पक्का आपको ज्ञात होगा कि सब कुछ बढ़ा है, साधन तो बढ़ गया है पर साधना कम हो गई है। हम साधन तो उपयोग ज्यादा करने लगे हैं पर साधना का हम जीवन में महत्व घटाते जा रहे हैं। जितनी हमारे जीवन में साधना कम होती चली जाएगी, उतने ही साधन कितने ही हो जाएं चाहे, अगर साधना कम होगी तो हमारे जीवन में सुख भी कम हो जाएगा। इसलिए साधन बढ़े हैं तो साधना बढ़नी चाहिए, भोग बढ़ा है तो साथ साथ योग का अभ्यास भी होना चाहिए। इसीलिए आज का समाज, आज का मानव मानसिक स्तर पर बहुत ज्यादा दुखी पाया जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है। पहले बात करने के लिए टेलीग्राम भेजने पड़ते थे, तार भेजनी पड़ती थी, तब जाके एक महीने बाद उनको तार मिलती थी और आपके घर के समाचार मिलते थे। अब तो एक सेकंड नहीं लगती, इतना टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप बैठे बैठे, कोई जमाने में 15 साल पहले अगर आपको कोई ये कहता, जैसे मैंने सुना था कि पता है ऐसा टीवी आने वाला है कि केवल आप उनको ना देखो, वो भी आपको देख सकते, तब हम लोग हंसते थे ये सोच के कि कैसी बकवास बातें कर रहे हैं, ऐसा कभी हो सकता है आप एक दूसरे को देख सकते। आज हम ये सुनते हैं कि टीवी में जो सीन चल रहा है, आप में, आपके घर बैठे जो सीन चल रहा है, वैसी अगर जैसे आप फूलों का सीन देख रहे हैं तो आपको घर बैठे उसकी खुशबू आएगी। आज वो हास्यास्पद है पर हो सकता है, टेक्नोलॉजी का विकास इतना हो सकता है कि आप जो सीन देख रहे हैं, जो फूल देख रहे हैं, उसकी खुशबू आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे उस टीवी के या मोबाइल के जरिए आप उसकी खुशबू ले सकते हैं। ये सब पहले असंभव था, आज ये सब संभव है कि आप दूर बैठे किसी को देख सकते हैं। पहले केवल एक कल्पना मात्र थी पर आज हकीकत है। तो इतनी टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, इतना हम साधनों में विकसित हो गए पर फिर भी विज्ञानियों ने साधन तो दिए पर शांति नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि शांति केवल सत्संग और संत रूपी विज्ञानी दे सकता है, और सत्संग रूपी विज्ञान से प्राप्त हो सकती है, ये हम भूल गए, इसीलिए हम परेशान, इसीलिए हम दुखी हैं। तो इस विज्ञान का आदर हमारे जीवन में होना चाहिए, साधनों की मनाही नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें उसकी भी मनाही नहीं है, आप साधनों का उपयोग करें उसकी मनाही नहीं है, पर साइमल्टेनियसली साधना भी आपकी होनी चाहिए। मैंने आज सुबह भी कहा था कि हम ईमानदारी से देखें तो हम जितनी जप करते हैं, जितनी माला करते हैं या जो कुछ भी करते हैं साधन भजन, वो ईमानदारी से कितना करते हैं, तो आपको उसमें बेईमानी ही बेईमानी नजर आएगी। जब आप माला करते हैं तो आपका ध्यान कहीं और है, जब आप सत्संग सुनते हैं तो आप कुछ और सोच रहे हैं, आप उसमें नहीं है। अगर 5 मिनट के लिए भी आपने अगर ईमानदारी से साधन किया है ना, तो वो 5 मिनट भी कई जन्मों का काम निपटा सकता है, कई जन्मों के आपके पापों को, दोषों को, वृत्तियों को बिखरने वाले
कई युगों से आप जो संस्कारों को लेकर पाल रहे हैं अपने आप को, ढो रहे हैं अपने आप को, वो कई जन्मों का काम आप केवल 5 मिनट में कर सकते हैं, पर अगर वो 5 मिनट आपके ईमानदारी के दिए हुए हो,